गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, ठीक है भाई। इतना वीडियो बन रहा है ना इस टॉपिक के ऊपर, मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई इसको एंड कर दूँ, लेकिन भाई अगर कुछ लोगों के पास प्रूफ नहीं होता ना, वो लोग क्या करते हैं भाई, रोने धोने का एक्टिंग करते हैं। जैसे कि हमारा कोबरा भाई हो गया, आज का वीडियो में भाई इतना रोया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि कोबरा भाई रो रहा है। लेकिन भाई अभी सुबह के उसका शॉर्ट वीडियो जाके एक बार देखो, उस पर भाई इतना फनी कमेंट्री किया ना भाई, दिल से बोलूंगा वो शॉर्ट वीडियो इतना मस्त थे भाई, तुम भी जाओ एक बार देख के भाई कितना खतरनाक कमेंट किया यार, जैसे कि बुकर बुकर है ही नहीं। और उसी के साथ साथ भाई उसका कल का जो क्रिएट ओपनिंग का जो वीडियो ना, उस पर भी जाके एक बार देखो भाई, इतना खतरनाक वॉइस ओवर किया कि उसका तो भाई तबीयत तो सही है मुझे पता चल गया, लेकिन भाई आज का वीडियो में इतना रोना धोना का ऐसे क्यों किया भाई, मुझे कुछ ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तू रोने का एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई, सीधे एक बार सॉरी बोल देना मुझे भाई, मैं मान लूंगा। और उसके साथ साथ और एक बात, हाँ जब भाई इसके पास कुछ मतलब कुछ भी एक भी प्रूफ नहीं था ना, तब क्या भाई ने क्लैन लेफ्ट कर दिया। अब भाई क्लैन लेफ्ट करके क्या बोला, ये देखो भाई स्क्रीनशॉट दिखाता, ठीक है उसका क्लैन में मरने दिया मुझे, ये देखो इधर क्या लिखा है, कोबरा भाई ने कोबरा एटी को क्लैन में घुसाया, ठीक है। और एक कोबरा एटी को ने पता है भाई तुम लोगों को, कोबरा भाई का खुद का भाई, ठीक है, खुद का छोटा भाई है कोबरा एटी। अब भाई ये जो एटी भाई है ना, इसको दे दिया कोबरा भाई का क्लैन का लीडर, देखो इधर पूरा साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब भाई आप बोलोगे तो भाई कोबरा भाई एक मतलब एकदम थोड़ा सा भी सिंपत्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं ही कर रहा हूँ भाई, मैं ही गलत हूँ। और उसके साथ साथ देखो कोबरा भाई क्लैन में फिर से घुस गए, तो आप लोगों को पता चल ही होगा अब घुसा कब भाई, रात के टाइम, क्योंकि भाई सब उसको पता है मेरा व्यूज भी आ गया अच्छा खासा और सिंपत्ति भी मिल गया मेरे को अच्छा खासा, और उसी के साथ साथ लोगों को चुतिया भी बना दिया, स्क्रिप्टेड वीडियो बनेगा। अब देखो मैं तुमको सिंपली बता दूं क्या, तुम एक बात बताओ, कोई अगर वीडियो बनाता है ना, कोई रिकॉर्डिंग करता है ना भाई, तो कैमरा लेके कभी नहीं करता, लेकिन वो देखो कैमरा लेके बैठा है, शायद भाई वो ब्लॉगर है भाई, इसलिए सारे मतलब उसके पास इतना स्टोरेज है कि पूरा महीना तक भाई उसका कैमरा ऑन ही रखता है भाई, घर में अगर कोई गलत काम भी करता है ना, वो भी भाई उधर कैमरा में आता है, शायद देखता भी होगा वो, पता नहीं मुझे। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि कोबरा भाई ने क्लैन छोड़ा क्यों था, अब देखो जब हमारा रावण चाचा ने वीडियो बनाया ना, एकदम ए टू जेड प्रूफ कर दिया कि कोबरा भाई गलत है, और रावण चाचा उसका खुद का मुंह से भी बोल भी दिया कि कोबरा भाई गलत है, कोबरा भाई तू मान लो, लेकिन भैया जी ने तब किया भाई पूरा क्लैन ही छोड़ के चला गया, जहाँ रहेगा बांसी ना रहेगा बिन, ठीक है ऐसा सोच के। और उसके बाद रात के टाइम खुद को क्लैन में घुसा लिया, और घुसाने के बाद उसका भाई को क्लैन से किक मार दिया, और जो गाली दिया उसको भी किक मार दिया, खुद का गलती तो माना नहीं, और ऊपर से रावण भाई को भी अपने खोबजे में घुसा लिया। अब भाई और एक बात यह कि कोबरा भाई क्या बोल रहा है कि मैं कॉल पे बात नहीं कर रहा, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो भाई तुमको एक बात बता दो, ठीक है जब कॉन्फ्रेंस में बात हुआ ना, सब लोग था, ठीक है हमारा राइफल भाई भिक्की भाई सब था, रावण भी था उधर, ठीक है, तो उधर तकरीबन भाई 30 मिनट के जैसे बात हुआ, बात होने के बाद रावण भाई बोल रहा है कि अली भाई को बोल दो कोबरा भाई सॉरी, तो तब जब बात करने के लिए बोला ना रावण, तो क्या बोल पता है कोबरा भाई, बोल रहे मैं क्या बोलूँ। अब देखो ये देखो भाई उसका प्रूफ, ये देखो भाई इधर 35 मिनट बात हुआ और एक बार 12 मिनट बात हुआ, क्योंकि भाई अब देखो रात के 9 बजे के बाद कॉल किया मुझे, अब भाई मैं रहता हूँ बाहर, तो बाहर तो भाई 10 बजे से ऊपर नहीं रह सकता ना भाई, कितना बड़ा हूँ मैं ये मैं कि सारे रात रह के बात कर लूँ, तो ऐसे भाई फेक वीडियो मत बनाओ, दोबारा प्रूफ के साथ बनाओ तो। और भाई यार कम से कम भाई तुम कैमरा वैमरा लेके वीडियो तो मत बनाओ यार, ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो क्या बनाए, तो भाई बच्चे जैसा भाई क्या ही बोला जाए। और उसी के साथ साथ और एक बात है कि भाई देखो मेरे पास और एक खतरनाक प्रूफ क्या है पता है, मैं सोच रहा भाई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन लगता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा, पैसे लेके क्लैन में बंदा घुसा था ना, उसका भी स्क्रीनशॉट है भाई मेरे पास, तो मैं सोच रहा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये लोग भाई मजबूरी कर रहे हैं पूरा एकदम, तो गाइस कोई बात नहीं। लास्ट में भाईया जी ने ये भी बोला कि अली को कमेंट बॉक्स में कोई गाली मत दो, तो मैं भी बताता हूँ कि उसको कोई अनसब्सक्राइब मत करो, और कमेंट बॉक्स को गाली मत दो, और वीडियो का डिसलाइक भी मत करो। और भाई उसके साथ मेन बात तो मैं मतलब बोलना भूल ही गया यार, सबसे पहली बात है यार गाली, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है यार मैंने तो गाली नहीं दिया, लेकिन भाई उसने प्रमोशन कर पाया, मतलब उसको पता था कि गाली पड़ रहे, तो सच बता रहा ना, अगर वो मुझे भाई या दोस्त मानता ना, तो कभी ये गाली का प्रमोशन नहीं करता वो बंदा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि हेट जरूरी है भाई, अली को गाली दिलवाओ, क्योंकि वो भी चाहता है प्रमोशन करूंगा तो व्यू आएगा, तो उधर से गाली आएगा अली को, गाली वो सुन के भाई मतलब भाई तुमको मैं एक ही बात बताऊँ कोबरा भाई, अगर ये गाली तू तेरा मम्मी को पढ़ता ना, तो भाई मैं कभी भाई दिल से बता रहा कभी सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि तेरा मम्मी मेरा मम्मी सेम है भाई, तुझे भाई मानता था, लेकिन तूने तो पूरा स्क्रिप्टेड वीडियो बना बना कर रो रो के एक्टिंग करके
पूरा वो कर दिया यार। और यार भाई लास्ट में एक ये तो बोलूंगा यार, कुछ ज्यादा बोल दिया तो भाई माफ कर देना। और उसी के साथ साथ और एक बात ये है कि देखो मैंने भी पूर्व के साथ वीडियो बनाया, रावण भाई भी पूर्व के साथ वीडियो बनाया, और वो देखे कोबरा भाई को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो साझी बात पता चल जाएगा ऑडियंस को। तो क्या क्या कोबरा भाई ने रावण को अपने हाथ में कर लिया, तो कोई बात नहीं। और उसी के साथ साथ और एक बात भाई, मैं बोल रहा था ना कि नेक्स्ट मतलब एंड वीडियो, लेकिन मैं बता रहा अगर वो लोग भी मुझे मेरे ऊपर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाएगा ना, मैं तो भाई पूरा पोल खोल के छोड़ूंगा भाई, बता रहा देख लियो बस। क्योंकि भाई मेरा ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए भाई क्या सच है क्या झूठ है। और जाने से पहले एक ही बात की यार, कोई भी हेड मत दो कोबरा भाई को, और कमेंट में गालियां मत दो, डिसलाइक भी मत करो, अनसब्सक्राइब भी मत करो, बस सपोर्ट।